अभी हम लोग मध्य प्रदेश के सबसे नवीन जिला मऊगंज में खड़े हुए हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मऊगंज बाजार जाने का रास्ता है और यहाँ पर लिखा हुआ है नगर परिषद मऊगंज आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। 17 नवंबर को मतदान होने हैं। आज हम लोग मऊगंज के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। बताया जाता है कि मऊगंज की जो राजनीति शुरू होती है वह ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू होती है और हार जीत का निर्णय ग्रामीण मतदाता ही करते हैं। सर्वाधिक यहां पर ग्रामीण मतदाता हैं और आज हम लोग मऊगंज विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और यह जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, 5 सालों में मऊगंज ने क्या खोया है और क्या पाया है, क्या रहेंगे इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे और किस ओर जा रहा है मऊगंज का मतदाता, सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और सीधा ग्रामीण की तरफ हम लोग रुक करेंगे, गांव की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मऊगंज विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप पटेल हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश त्रिपाठी हैं, बीएसपी से भैयालाल कोल प्रत्याशी हैं। चार जो प्रमुख पार्टियां हैं यहां पर अपने अपने प्रत्याशी उतारी हुई हैं। अभी तक जिन लोगों से बात की गई सभी के द्वारा यह बताया गया कि मेन लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। चलिए चलते हैं गाँव की तरफ और बात करते हैं ग्रामीणों से कि आखिरकार इस बार क्या मऊगंज के मुख्य मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर मऊगंज का मतदाता मतदान करेगा। अभी हम लोग हरदी गांव में आ चुके हैं। मऊगंज विधानसभा अंतर्गत ही ये गांव आता है हरदी। यहां पर हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? छठलाल प्रजापति। कहाँ के हैं? हरदी के। हरदी के क्या कर रहे हैं? ये बकरी चरा रहे हैं। बकरी जी? तो रोज यही काम आप? हाँ, करते हैं? रोज यही काम करते हैं। कितनी बकरियां हैं आपके? ये 5 बकरी हैं। 5 बकरियां? तो दूध वूध बेचते होंगे? कुछ नहीं है, पर कुराव में है सब। हाँ जी, तो सिर्फ सुबह शाम यही काम रहता? हाँ हाँ, यही काम रहता। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस बार कैसा है चुनावी माहौल? चुनाव ठीक है, सब बढ़िया है, एक नंबर पर चल रही है। किन मुद्दों को देख कर इस बार वोट जा रहा है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जी? तो क्या देखा जा रहा है कांग्रेस में? ये दुख सुख में सब में शामिल होता है, मतलब कांग्रेस नेता। तो इसलिए हम लोग मतलब गरीब को, हमको लोग के मतलब आते हैं तो देखते हैं, कम से कम से दुख विपद में शामिल होते हैं, इसलिए हम लोग सब अपने। तो आप पार्टी देख रहे हैं या फिर प्रत्याशी देख रहे हैं? नहीं, हम मतलब आदमी या विधायक अपने क्षेत्र के देख रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक देख रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक। और यहाँ से अन्य पार्टियों से जो लोग हैं? वही कि वह ठीक हैं, वह बढ़िया है, कोई हम लोग का है कहीं मतलब नहीं, ठीक है, वह ठीक है। पर आपके हिसाब से वही ठीक है? जी हाँ। तो आपके घर आते जाते रहते हैं? हाँ आते हैं, तब कोई परेशानी हो जाती है, कोनो मतलब वो हो जाती है, मतलब वो मतलब सब में शामिल होते हैं। जी, आपका मन बन चुका है? मन हमारा 5 के पूरा भरपूर है ना। अच्छा, कितने वोटर यहाँ पे होंगे लगभग? यहाँ मतलब 1700 मतलब वोटर हैं। 1700? जी। आप तो दिन भर गांव ही घूमते रहते होंगे बकरियों को लेके? हाँ हाँ, है ना। तो जगह जगह बैठते भी होंगे? हाँ हाँ। तो क्या मन माहौल समझ यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। तो इस बार सिर्फ क्षेत्रीय प्रत्याशी आप लोग देख रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभी ये भैया थे, बकरियां चराने का काम करते हैं और जगह जगह गाँव में आप जाते रहते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये हरदी तालाब है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पर कई लोग आते जाते रहते हैं और हम लोग भी यहीं से गुजर रहे थे। आज हम लोग मऊगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस बार किस ओर जा रहा है मतदाता।
चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस ओर जा रहा है मऊगंज का मतदान। हम लोग अभी हरदी गांव में ही हैं। यहां पर एक काकी मिल गई हैं। क्या नाम है काकी? सुषमा पटेल। कहाँ की हैं? हरदी की। क्या लगता है इस बार का मतदाता किस ओर जा रहा है? अच्छा, अपना कमने गई थी, लाडली बहना के पैसा मिला था। हाँ। तो कमने गई थी घरे वाले का चर्चा करा था, कुछ चर्चा करा था घरे वाले बाम का, कुछ बताए नहीं तो का बताई। अच्छा बताई ही फिर। हाँ तो बताबे ना करी। तो अब कमनो चर्चा ही नहीं हुई घर में? अब घर में चर्चा नहीं हो रहा है। तो कुछ ही चर्चा चलत हो ना कि अब के का वोट दे के का नहीं के अच्छा करे। हाँ तो का बताई। कटाई में, कटाई के बीच में तो चुनाव न है, तो का लागत है? कुछ नहीं समझ आवल्ला हमको, कुछ समझ में नहीं है ना। जब वोट डाले खोई ते बता दे ही के आज इनका वोट दे के है ना। चलिए यहाँ पर और लोग हैं, आ गए हैं भैया, बकरी चरा रहे थे। काका क्या नाम है? रामधनी। कहाँ के हैं? यही का है। क्या लगता है इस बार का चुनावी मार माहौल? चुनाव का लागत है, चुनाव बढ़िया लागत है का लागत है के यहाँ सही है? ये सही है। तमाकू खाए ले बताई दे। आज बताए का जी का लागत है? लागत का है के दिन है। हाँ दिन है, फिर रात ही हो ही, लेकिन क्यों तो हो ही न जे दिन रात ये खड़ा हो तो। अरे हो ये खड़ा हो जी, खड़ा हो जी बस जे का देखो। हाँ जे का, हाँ जे का देखो जब जब हो गया है ना। पर वोट डाले जाब कि ना जाब? वोट डाले जाब, वोट कह रहे मतदान है ना। मतदान करब? हाँ मतदान, मतदान करे चाहिए। हाँ। लेकिन ये तो सोचे हो ना कि कौन सा प्रत्याशी हाँ, अच्छा कार्य किया है कौन सा नहीं। देखी वोट डाल हाँ। डाल समय बदल जाती भला। हाँ आत्मा का कहा थी कहाँ डाल आज हम के का कह दी। अभी अपना के आत्मा वो नहीं आए अबा नहीं, तो ये एक दिन पहले कन्फर्म हो जाये। हाँ एक दिन पहले हो जाये है ना। एक दिन पहले के मतलब कुछ गौरव फिर सब निकाला था। हाँ तो होगा निकाला दी ना। चलिए बहुत, अभी हम लोग हरदी गांव में ही घूम रहे हैं। यहाँ पे मुलाकात हुई काका से और एक यहीं की क्षेत्रीय महिला भी मिली थी, उनसे भी बात हुई। खैर मतदान किस ओर जाएगा किस ओर नहीं जाएगा सभी लोगों से बात की जा रही है और सभी लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी लोगों से जानेंगे कि किस ओर जाएगा मतदान और किन मुद्दों को लेकर यहां के मतदाता मतदान करेंगे। अभी हम लोग मऊगंज विधानसभा के सघन गांव में आ गए हैं और यहां के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर प्रसाद। कहाँ के हैं? हम सघन कला के हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? कांग्रेस पार्टी को। तो क्या मुद्दे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को आप मतदान करेंगे? कांग्रेस ऐसा है कि महंगाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग सफ़र करते हैं, महंगाई सब्जी है, भाजी है, टमाटर की रेट, प्याज की रेट बहुत हाई है। तो क्या कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब महंगाई नहीं बढ़ रही थी? महंगाई पहले था। हाँ। पर हम लोग का कनेक्शन बत्ती जो है तो पहले सही दिए थे, छूट दिए थे आदिवासी बस्ती को। अब इतनी आ गई है महंगाई के अब हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। पहले 2003 तक की अगर बात की जाए जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब तो बिजली ही नहीं आती थी। बिजली नहीं आती थी तो मिट्टी तेल से काम चलाते थे, अब वो भी नहीं है। मिट्टी तेल भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अरे बोली, अरे बोलिए बोलिए, आप तक गांव आपसे जानने के लिए ही आए हैं, आपसे बात करने के लिए ही गांव तक आए हैं, गली तक आए हैं। जो भी हो, जो भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं कि क्या समस्या है, पांच सालों में मऊगंज ने क्या खोया, क्या पाया, जो भी आप देख रहे हैं वो बताइए। कोई ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात करिए। नाम बता दीजिए। सुरेश कोहल। कहाँ के? सघन कला। क्या लगता है मऊगंज पांच सालों में क्या पाया है और क्या खोया है?
क्या बताएं यार, क्या लगता है 5 सालों में मऊगंज ने क्या खोया क्या पाया? अब 5 साल में क्या खोया क्या पाया है, क्या है कि अब सरकार जो है तो कांग्रेस को भी होना चाहिए और जो है तो भाजपा की था जो है तो हम तो कभी उनको देखे भी नहीं है। 5 साल बीत गया, विधायक जी को मैं कभी आँखी से नज़र नहीं आया, मैं कभी रास्ते में भी नहीं देखा। और सुखन सिंह जो बनना है हमारे पंचायत में आते जाते हैं, हम लोग मिलते जुलते भी रहते हैं, लेकिन जो प्रदीप पटेल हैं हम उनको अभी तक देखे नहीं हैं, कब आते हैं कब जाते हैं। और सुखेंद्र सिंह जो है तो हम लोग मिलते जुलते भी रहते हैं, वो भी मिलते जुलते रहते हैं, मिलनसार हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार पंजा के ही जो है तो वोटिंग करें और कार्ड जो है तो मऊगंज क्षेत्र विधानसभा का जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अभी महंगाई भी बढ़ी है लेकिन उसका भी कंट्रोल किया जाएगा। अब लेकिन अभी तो हम लोग यही सहमत करते हैं कि पंजा के ही मतदान करेंगे। बीजेपी के किया भी, उसका भी किया था, क्या है कि हमारा तो अभी कुछ बना भी नहीं है। मैं बहुत कुछ कागज पाता दिया, ना हमको गल्ला मिलता है ना कुछ मिलता है। हम लोगों को बहुत अभी तो परेशानी बहुत है। इस बार जो है तो पंजा का वोटिंग करेंगे उसके बाद। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार मिश्रा है। कहाँ के हैं? बस सघन खुर्द गाँव में। क्या लगता है 5 सालों में मऊगंज ने क्या खोया और क्या पाया? मऊगंज ने एक, अगर बात करें तो मऊगंज ने एक ऐसा विधायक खो दिया था जो जनता के बीच में ये बोलें कि जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारा से अगर उसकी हवा उसका निकल जाता है तो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। उसी ठीक प्रकार से जनता की जान कह सकते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना जो थे यहाँ के, वो जनता ने खो दिया था। आज उनका ये नतीजा है कि रुझान एक तरफा उनकी ओर नज़र आ रहा है। मऊगंज में कुछ विकास कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत सघन कला में, जिस रोड में आप खड़े हुए हैं यहाँ पे पहले तो गड्ढों में सड़क में गड्ढा गड्ढम गड्ढा था। हालत ये थी कि यहाँ बद से बदतर थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब सुखेंद्र सिंह विधायक थे यहाँ पे तो यहाँ से आना जाना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला सरपंच के माध्यम से तो उन्होंने कोई देरी न करते हुए यहाँ पे 1-2 लाख का फंड जो भी था, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बेहतर करने की कोशिश करी और मोरम जो भी था सब कुछ व्यवस्था करने की प्रयास किया उन्होंने। इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आखिरकार भाजपा में क्या वो कमी है कि परिवर्तन ही चाहिए? भाजपा में बहुत कमी है। पहली बात, भ्रष्टाचार नंबर एक, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नंबर एक, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। बेरोजगारी की समस्या तो खाए जा रही, दिनों दिन खाए जा रही है। इसीलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन हो, कांग्रेस आए, कांग्रेस में एक हम लोगों की विचारधारा भी रही है पहले से, कांग्रेस को आना चाहिए। और यहाँ की बात करें तो व्यक्तिगत सुखेंद्र सिंह बन्ना इतने अच्छे नेता हैं, 2:30 बजे रात अगर किसी को ज़रूरत लग जाए तो सुखेंद्र सिंह बन्ना हाजिर रहते हैं। अगर बात करें 2003 से पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब का शासनकाल कुछ आपको याद है? कुछ बताते होंगे घर वाले, कैसा था तब का शासनकाल? हाँ, उस समय उतना फंड नहीं था, उस समय कुछ मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन हाँ इतनी महंगाई नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार नहीं था, इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो शिवराज सिंह के सरकार में हुआ है, ये नहीं था। शिवराज सिंह एक बीमारू राज्य को विकासशील राज्य में लाए। हाँ ये चीज़ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी वही लाए, ये भी मानते हैं। बेरोजगारी आज जो पूरे भारत में हमारा मध्य प्रदेश नंबर है, रोना आ जाता है बेरोजगारी देख करके, युवाओं को देख करके रोना आ जाता है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश में और इस प्रदेश में। हमारे वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? जी नहीं, अभी हमारा नाम वोटर लिस्ट में अभी नहीं जुड़ा। क्या देखते हैं गाँव क्षेत्र में कि क्या विकास दिखाई दे रहा है? देखा जाए तो मऊगंज विधानसभा के अंदर अभी तक, मतलब पिछले 5 साल में, मतलब जब प्रदीप पटेल जी का जब तक वहाँ पे विधायक का वो चल रहा था शासनकाल, उसमें देखा जाए तो बहुत कोई खास विकास नहीं दिखा है। उसके पहले जो 2013 से 2018 के बीच में सुखेंद्र सिंह बन्ना विधायक जी का जो काम था उसमें चल रहा था, उसमें देखा जाए तो उनका काम कुछ नज़र आता है। आपने देखा था या फिर आपने सुना है? नहीं, हमने देखा भी है। मऊगंज में हम करीब 15 साल रहे हैं,
उन्हीं के शासनकाल के टाइम। अभी क्या उम्र है? अभी 17 साल है मेरी उम्र। अभी 17, तो मतलब 2 साल में आप जानने लायक हो गए थे? बीच में जानने के लिए हम 5 साल से, मतलब जब से पढ़ने लायक हुए तो मऊगंज से हमारी पढ़ाई हुई है पूरी। अभी 11th से हम रीवा चले गए थे पढ़ने, 10th तक की हमारी पढ़ाई वहीं हुई है। तो 10th तक की जो हमारी पढ़ाई हुई है उसमें हम जो देखे तो मतलब मऊगंज के अंदर छोटे से लेके बड़ा काम, भले विधायक ना रहे हों सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, लेकिन विधायक ना होने का ऐसा किसी को वो नहीं हुआ था कि वो विधायक नहीं है वर्तमान टाइम पे, एहसास नहीं हुआ था। वो संपूर्ण रूप से हम लोग के साथ क्षेत्रीय आदमी हैं और पूरा काम किए हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पीछे भैया भी खड़े हैं, क्या नाम है भैया? राजेश कौल। कहाँ के हैं? सघन खुद। क्या लगता है इस बार किधर जा रहा है मऊगंज? कांग्रेस। कांग्रेस, क्या देखते हैं आप कांग्रेस में? हम यहाँ रहते नहीं है ना, हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, फिर कांग्रेस? कांग्रेस कैसे? अब कांग्रेस देना है तो देना है। अच्छा, चलिए अभी हमारे साथ सघन गांव के लोग थे और इनसे बात की गई। सबके द्वारा ये बोला गया कि परिवर्तन चाहिए, लेकिन मऊगंज विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं और जनता का रुख किस ओर जा रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग आगे चलेंगे और अन्य गांवों में भी जाएंगे, वहां के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार किन मुद्दों को लेकर वह लोग मतदान करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं किसी अन्य गांव में। अभी हम लोग मऊगंज विधानसभा के बाराव गांव में हैं। बाराव गांव ये हाट बाजार है और यहां पर आसपास के ग्रामीण आते हैं। अभी हमारे साथ है कि यहीं के ग्रामीण हैं, क्या नाम है काका? राम यागर पटेल। कहां के हैं? बाराव के हैं, टर्रा टोला के। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और हो सकता है तो इस बार मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, आप बहुजन पार्टी में काम करते हैं? सरकार बन रही है, सदस्य हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या बहुजन में आप खास देखते हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार जब बहन मायावती की बनी तब वहाँ का कार्यकाल बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। क्या अच्छा लगा यूपी का? वहाँ का गुंडेगर्दी समाप्त हुई, हरिजन आदिवासियों के लिए मकान बनाकर जैसा यहाँ पर आवास चल रहा है वहाँ बना के हर छोटे वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को, जो गरीब थे जो पात्र थे उनको वहाँ मिला। यहाँ भ्रष्टाचार चल रही है, यहाँ हरिजन आदिवासी के ऊपर, जिसे बीजेपी पार्टी कहते हैं लोग बहुत अच्छी हैं, हरिजन आदिवासी के ऊपर यहाँ तो पेशाब करने लगे अब लोग, हरिजन आदिवासियों के ऊपर पेशाब भी करने लगे बीजेपी के ही लोग। वो तो पूरा मामला जो था वो चला वहाँ पर, फिर सीएम शिवराज ने पैर भी धोए, वो 4-5 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा था। चलिए उसकी बात आप छोड़िए, आप तो पहले बात सुनिए, आप क्या देखते हैं ऐसा बहुजन में कि विकास कार्य की है यूपी में और क्या एमपी में कर सकती हैं? एमपी में भी विकास होगा क्या? जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग इस समय अपने यहाँ का बहुत डाउन है। शिक्षा विभाग यहाँ का बिल्कुल डाउन है। तो क्या यूपी का बढ़ा हुआ है? नहीं, यूपी का नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ेगा अगर सरकार गिरेगी बदलेगी। हाँ तो यहाँ पर अच्छा, 2018 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पूरे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्या रिजल्ट आए थे उस बार परिणाम? उस बार तो मोदी जी की लहर थी, उस बार यहाँ का रिजल्ट खराब था, रिजल्ट खराब था। मोदी की अगर लहर थी तो फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी कांग्रेस की सरकार बनी थी। हाँ। लेकिन बनी कब? वो पैसे से खरीदी गई थी, पैसों कांग्रेस ने खरीदा था कि बीजेपी ने खरीदा था? तो सरकार तो कांग्रेस की पहले हाँ। बनी तो देखिए कांग्रेस की बनी लेकिन खरीद के फिर बीजेपी की लोग सरकार बनी। हाँ, मतलब अच्छा, यहाँ के जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं वो भी इसी गांव से हैं? इसी गांव के, बराव के ही हैं। है ना, बराव के हैं। उनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, मिलन जुलन। हाँ। उनका सब है, वर्तमान में बराव पंचायत के हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं उनके। फिर कब से आप बीएसपी में काम कर रहे हैं? हम तो जब से बीएसपी आई है, पहला सांसद भीम सिंह पटेल हुआ तब से हम काम करने लगे हैं। अच्छा, बीएसपी में। क्या नाम है काका? मेरा नाम कंचन गिरी। कहाँ के हैं? यही बराव के हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो हमारा पहले प्रदीप से है शुद्ध। बताइए क्या मुद्दा? प्रदीप का चेहरा यहाँ के बहुत लोग नहीं जानते हैं।
हाँ तो क्यों नहीं जानते, क्या वजह है कि विधायक का चेहरा नहीं जानते? तो ज्यादा इससे वजह नहीं है, वजह तो अपने आप बना लिए वो। हाँ वो कभी भी किसी का सहयोग नहीं किए किसी लाइन में कभी भी, और मंदिर वंदिर में जूता पहन के घुस जाना, एक विधायक की कैपेसिटी कैसी होती है वो चाहिए उनको, है ना। मंदिर में घुस जाना जूता पहन के, तुलसी के पौधे में लात मार देना, हम आगे नहीं बोल रहे हैं, आगे सब कुछ मालूम है क्या किए हैं वो तुलसी के। देखिए ये जो आप बातें बोल रही हैं, ये बातों को लेकर प्रदीप पटेल से सवाल भी किया गया था, लेकिन प्रदीप पटेल के द्वारा क्या बोला गया, किसी के पास एक सबूत है कि मैं मंदिर में जूते पहन के गया हूँ, मैं तुलसी उखाड़ा हूँ, मैं तुलसी, मेरे पास आज वीडियो है। अच्छा वीडियो दिखाएंगे क्या? वीडियो दिखाएंगे, वीडियो है हमारे पास, इस मोबाइल में नहीं है, मोबाइल दूसरा है उसमें है हमारे पास वीडियो, हम देंगे उसको, हमें पर्सनल दिखा देंगे ना वो वीडियो, दे देंगे तो हम भी तो उसी से है ना। मीडिया, आप मीडिया हो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास इस मोबाइल में नहीं है, उस मोबाइल में है उसका हम देंगे। तो क्या उसमें क्या दिखाई दे रहा है? आप हमको नंबर देंगे, दिखाई दे नहीं रहा, बोलना नहीं दिखाई देगा, वो क्या कर्म कर रहे हैं वो दिखाई देगा, पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो है। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ प्रमाण तो फिर देना पड़ेगा, हम तो घर तक चल देंगे, घर नहीं जाना है, हम देंगे, हम नंबर दे, हम बार साहब का डायरेक्ट और का, चलिए नंबर देंगे और क्या। तो फिर कौन सा यहाँ से ऐसा चाहिए? अच्छा सुखेंद आपको? हाँ सुखेंद चाहिए, बहुजन नहीं। हाँ। हमारा सरपंच जिसकी आप बात कर रहे थे अभी बहुजन, हाँ, की हमारे यहाँ का भैया लाल, हाँ, है ना, टोल हुआ है अभी बहुजन में, जिसका ये दावा कर रहे हैं इस गणेश धाम का तालाब का पैसा ले जाके नदहा में डाल दिया। जब सरपंची में ये काम कर गया तो विधायक बनने के बाद क्या करेगा? तो सुखेंद में आप क्या क्वालिटी देखते हैं? क्वालिटी ये है कि अगर एक बजे रात भी आ, तीन बजे रात फोन लगाओ वो खड़ा है। हमको ऐसा चाहिए कि अगर एक फोन लगाओ तो फोन अगर मिस कॉल गया नहीं जान पाया तो दोबारा फोन लगा के पूछेगा कि किस लिए फोन लगाए थे, मतलब जब भी कॉल करते हैं तब साथ। हाँ साथ में है, कॉल करो, अगर नहीं आ गया तो क्या बताएं। आप पार्टी देख रहे हैं कि प्रत्याशी? व्यक्ति विशेष देख रहा हूँ, व्यक्ति विशेष। पार्टी तो पार्टी से हमसे कांग्रेस से मतलब नहीं है, कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खाली क्या है हमको मालूम है, आपको ही मालूम, सारी दुनिया को मालूम है, हमको कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्ति विशेष से मतलब है, व्यक्ति विशेष से मतलब है, हमको बनना है जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी थे और साफ तौर पर बोला गया है कि क्या वजह है और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। हम लोग आगे भी चलेंगे, आगे भी बात करेंगे ग्रामीणों से कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग मऊगंज विधानसभा के शाहपुर में हैं, यह शाहपुर कस्बा है और छोटी सी बाजार यहाँ पर लगती है। यहाँ पर हम लोग कई लोगों से बात किए, यहाँ एक दुकान थी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि मऊगंज का माहौल कैसा चल रहा है और शाहपुर का कैसा माहौल है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अविनाश शुक्ला। क्या है मऊगंज का समीकरण, क्या कहता है चुनावी समीकरण? मऊगंज का चुनावी समीकरण सीधे सीधे दो पार्टियों की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की, तीसरा कोई नहीं है मुकाबले में। आम आदमी, BSP? कोई नहीं है, न आम आदमी है न BSP है। क्या लगता है 5 सालों में मऊगंज ने क्या खोया और क्या पाया? पाया तो कुछ भी नहीं पिछले 5 सालों में मऊगंज ने, खोया क्या? अब जब कुछ नहीं पाया तो सब कुछ खोया, ये मान के चलिए। एक आप कुछ बता दीजिए कि क्या खोया? एक तो जो जनप्रतिनिधि था मऊगंज का पिछले 5 साल में, वो कभी किसी के किसी काम नहीं आया, उनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अब इसके अलावा आप क्या बताएं क्या खोया, सब कुछ तो खोया। आपने जैसा अभी कहा कि जो यहाँ से जनप्रतिनिधि थे विधायक प्रदीप पटेल, वो नज़र नहीं आए। मऊगंज विधायक से जब बात की जाती है तो विधायक के द्वारा साफ तौर पर बोला जाता है कि हमने जिला बनवाया, बाण सागर का पानी घर घर तक पहुँचाया, सड़कें बनवा दी मऊगंज की, चाहे सड़कें हों। मऊगंज ज़िले की अगर बात की जाए तो मऊगंज प्रॉपर बाज़ार में डिवाइडर युक्त सड़क बन गई, कई ऐसे विकास कार्य बताए जाते हैं, क्या लगता है?
क्या है शाहपुर में क्या मिला है? अदर जगह का तो बता दिया। शाहपुर तो कुछ नहीं मिला, शाहपुर में कुछ भी नहीं मिला है। अब रही मऊगंज के सड़क की बात, तो मऊगंज शायद इस देश का पहला कस्बा ऐसा है जहाँ डिवाइडर पहले बन गया है, सड़क बाद में बनी है। शायद चुनाव न होता तो सड़क भी बनती भी नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा कहीं होता नहीं है, पहले सड़क बनती है फिर डिवाइडर बनता है, डिवाइडर बनने के बाद सड़क नहीं बनती है। उस डिवाइडर में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग टकरा कर टूटे, कितने मरे, कितने बेघर हुए, ये विधायक जी को नहीं मालूम होगा। बाणसागर का पानी इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं आया है। घर घर नल जल योजना के तहत हाँ सरकारी पैसा खाने के लिए नल जल योजना आई है, लेकिन पानी कहीं चालू नहीं है, उस पानी से किसी का गुजारा भी नहीं होगा, अगर चालू भी हो जाएगा तब भी। क्या नाम है काका? राजन प्रसाद पांडे। कहाँ के हैं हम? तेंदुआ पड़ान के। क्या लगता है मऊगंज इन 5 सालों में क्या पाया है और क्या खोया है? मऊगंज को सबसे बड़ी उपलब्धि जिला मिला, हनुमानगढ़ को डिग्री कॉलेज मिली, चौरा घाट मिला, बाणसागर उद्वहन, बाणसागर का पानी आने वाला है, यही मिला। अभी तो बता रहे हैं कि 5 साल तक यहाँ के प्रतिनिधि दिखाई ही नहीं दिए, क्या क्या सत्यता? 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, फिर 2 साल कोरोना चला गया, 2.5-3 साल बचा तो विधायक जब गांव में रहते तो यहाँ का विकास कैसे होता? तो विकास के लिए बाहर बाहर रह गए भाई, जब नहीं जाएंगे, फाइल कंप्लीट नहीं कराएंगे, कुछ काम नहीं कराएंगे, यहाँ केवल हमारे निमंत्रण खाएंगे तो थोड़ी काम। मतलब जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं सिर्फ निमंत्रण खाने का काम किए हैं? हम पूर्व विधायक किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, न हम पूर्व कह रहे हैं न वर्तमान कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, निमंत्रण खाने से काम नहीं होता। शाहपुर को क्या मिला है 5 सालों में? शाहपुर को यही रोड मिली है 5 साल में। ये इस रोड का निर्माण कब हुआ है? ये अभी लगभग 2-3 वर्ष हो गए, 2 वर्ष 2-3 वर्ष हो गए। कहाँ से कहाँ तक बनी? ये बनी है हनुमाना से लटियार। क्या आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। किसान भी नाराज चल रहे थे भाजपा से? किसान होंगे कोई नाराज, सबकी बात थोड़ी करते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है तो कोई नाराज होगा, कोई खुशी होगी, काम मतलब किसान यहाँ के नाराज नहीं है? नहीं नाराज। आप किसी की पर्सनल नाराजी हो तो उसमें अलग बात है, उसमें क्या कहा जाए, पर्सनल अलग बात है, बाकी जो किसान हैं उनकी कोई नाराजी नहीं है भाई। खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, किसान अब नाराज हो रहा है, 12,000 रुपये मिल रही है, अब क्या चाहिए। आप आसपास जाते होंगे अपने गाँव में, क्या लगता है चर्चाएं कैसी चलती हैं? अब तो बस कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है, लगता है कि भाजपा चुनाव निकाल लेगी, ऐसा लग रहा है फिर से। और स्टेट में किसकी सरकार? स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। हाँ बता रहे हैं, स्टेट में भी भाजपा की सरकार, यहाँ से विधायक भी भाजपा का। ठीक है ना, वो भाजपा के समर्थक है तो उनका नजरिया भाजपा की तरफ है, हम कांग्रेस के समर्थक हैं तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। अच्छा आप कांग्रेस समर्थक हैं, आप क्या कांग्रेस में ऐसी क्वालिटी देखते हैं कि आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं? इस देश में जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है वो सब कांग्रेस की ही देन है। कुछ एक उदाहरण। दूसरी बात ये कि हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, बात मऊगंज की कर रहे हैं। मऊगंज में चलिए बता दीजिए, मऊगंज में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मऊगंज विधानसभा में लगभग हर व्यक्ति से जुड़े हैं, सबके सुख दुख में पहुँचते हैं, हर जगह खड़े होते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं, सबका घर जानते हैं, और अब क्या चाहिए, कोई जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ खाना पहुँचाने तो आएगा नहीं। तो क्या भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो नहीं आते? नहीं, नहीं आते, वो एक जात विशेष के विधायक बन के रह गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि एक जाति विशेष के विधायक बन के रह गए हैं। कौन विधायक मऊगंज? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ तो ऐसा तो कोई भी कह सकता है, जो पूर्व में थे तो उनको भी कहा जा सकता है कि जाति विशेष के थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया होता है हर व्यक्ति की। अच्छा यहाँ पे मैं मऊगंज जब से घूम रहा हूँ तो यहाँ पर एक कॉमन सी बात सुनने को मिलती है कि भाजपा की बहुत सी दबी वोटें हैं, इनका क्या मतलब है दबी वोटों का?
कौन कहता है देवी वोट? बहुत सारे लोगों के अभी जैसे यहाँ पे आया तो यहीं पर चर्चा चल गई कि भाजपा की दबी हुई वोट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दबी वोट नहीं है। ये है कि चुनाव है, चुनाव में कोई ये नहीं सकता कह सकता कि हम जीतेंगे कि हम हारेंगे। भाई चुनाव में हर कोई अपने को जीता हुआ मानता है, जिसका जो समर्थक है उस पार्टी को बताएगा कि चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अच्छा, क्या लगता है भाजपा की वोट दबी हुई है कि नहीं है? दबी हुई का है, सब ऊपर है, भाजपा की वोट दबी कहाँ है, ऊपर है। तो कितने से यहाँ के प्रत्याशी जीतेंगे? तो देखिए हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम सर्वे करने नहीं गए हैं कि हम बता दें कितने प्रत्याशी, पर ये है कि जीत निश्चित है। ये सुनिश्चित कर दिए हैं? हम नहीं कर दिए हैं, जनता कर दी है, जनता की है। तेदुआ में पोलिंग बूथ भी है क्या? नहीं नहीं है। कौन सा पोलिंग बूथ वहाँ पे लगता है? धौसड़। तो क्या धौसड़ पोलिंग से नंबर एक पे कौन रहेगा? भाजपा। भाजपा कितने मतों से? अब लगभग मान के चलिए कि चाहे 10 से हो चाहे 5 से हो, पर रहेगी भाजपा नंबर एक पे। धौसड़ और तेदुआ से ग्राम दोनों पोलिंग, दोनों में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर दो लोग थे, हमने बात किया और दोनों लोगों के द्वारा अपनी अपनी राय दी गई है। आगे चलते हैं, आगे भी लोगों से जानकारी लेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह लोग अपना मतदान कर रहे हैं। अभी हम लोग मऊगंज विधानसभा के चरैया गांव में आ गए हैं और चरैया गांव में यहां से काका ये चारा लेकर जा रहे थे। काका को हम लोगों ने रुकाया और काका से बात करेंगे। क्या नाम है काका? रामलाल। कहाँ के हैं? चरैया। ये चारा लेके कहाँ से आ रहे हैं? आ रहा है गोरमा नदी के लगे। अच्छा, इतनी दूर काटे जाई थे? तब का करी जाओ काली अरे है के। हाँ, कई ठे गोरु ओरु रखे हैं? हाँ, एक ठे रखे हैं। हो गया तो एक खनिया के इतना ले जाओ तो कई दिन का होई? एक दिन के। एक दिन में? अब ऊसा ऊसा कुछ? कुछ नहीं, सिर्फ चारा चारा खवाई थे। तो गाय वही भैंस वैंस कुछ और रखे हैं? तो भैंसी नहीं आई और का रखा आओ। तो काका भैंस से कुछ दूध वूध बेची थे ऐसा? कुछ नहीं, है ना। का लागत है यह समय का है चुनाव के मर माहौल? चुनाव का हम का बताई, हम किसान मन ही हर जोत मन ही का जानी, अपने अपने किसानी में है और का जानी। काका यहाँ के जौन किसान हा ये तो मेन मतदाता है ही, और ये जौन कहती वोट दही ते तो जीती। उनका देखा ऐसा नहीं कि सवेरे से उठन तो अपन टाइम नहीं मिलती आए। हाँ भाई, न घूमे के न भागे के, अपने काम से काम रहते। अच्छा वोट दे जाम? तो वोट जहिया परी तहिया वोट दे, न परी तो का दे। हाँ तो के कैती लागत है यहाँ मर यहाँ केहू को नहीं बताई के की कई लागत है के की नहीं। जे यही ध्यान दे ते ही गए? नहीं ध्यान के न दे, हम कहाँ हम पचे ऐसा नहीं रहा। हाँ केव ध्यान नहीं दे, केव ध्यान दे वाला है? केव ध्यान दे वाला केव नहीं, अपना अपना सब है, है ना। हाँ। तब चारा लेके चले जाम? हाँ तब का करब का ही बसे डारब का। बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, 5 साल के ऐसा रहा है कि जे दुखे सुखे में ध्यान दही सी हो का कैसन चल लग कुछ तो पाई थे गल्ला उल्ला पाई थे? गल्ला तो मिला लाग है, आवास आवास हो गया, मिला है, मिला है। सरकार की योजना के मतलब फायदा ले ला है? हाँ ले लागे, झूठ काय बोली कि नहीं मिला है ना। तो का लागत है कि एक ऐसी केकर सरकार आवे चाहिए, केका यहाँ से विधायक चुने चाहिए, कुछ अपना के मन में है? हमारे चुने से क्यों न चुनी, देखी ऐसा है। देखी बताई अपना जे का देव अपना बताओ, फिर दूसर जे दे तो वो बताई ऐसा ही है कि कई के न बना था सब? ये सब ऐसा नहीं बनी है ना। हाँ जहिया पड़े के होई के दिन आगे तो ये सब का माइंड सही हो जाए, है ना, हो जाए एक दिन पहले वो हो जाए। बस काका वही तो अभी हम पहले वही पूछे के एक दिन पहले वाला है कि नहीं। चलिए काका अभी प्रतीक्षा करेंगे कि एक दिन पहले कौन ध्यान देता है, जो ध्यान देगा वोट उधर ही जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं।